फट से देखे। आ गई माल आ गया। इसका भी एक लेकिन स्टोरी है यार, इसकी भी स्टोरी है। ओके okay. इसकी स्टोरी भी है, बताऊंगी ठीक है, सुनना ध्यान से। टकली हो रही हो? ये मुंह बनाने की जरूरत थी दोस्त? एक लड़की सो रही है बेचारी, उसे मुंह बना रहा है लड़का, यार तमीज ही नहीं है, इंसानियत तो है ही नहीं। गंदा खाएगा। इनकमिंग क्या हो रहा है? किस चीज का इनकमिंग है? मुझे क्या पता, मुझे ऐसे क्या बोल रहे हो? लाइक क्रू एडिटर तो है, एडिटर तो है। अरे हाँ भाई हाँ। क्या ब्लश क्या है भाई? हेलो शर्म आ रही है बाबा। माना इसको बार बार देखने का मन कर रहा है, माना ठीक है, बट डू यू नो द स्टोरी? माना इसको मैं एक और बार देखूंगी। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मेरा पिंपल दिख रहा है यार, ये अलग से क्या है ये? एडिटर यार इसको थोड़ा हटा देता यार, कुछ मेकअप वाला कुछ फिल्टर लगा के। हे गाइस, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वांट टेल यू अबाउट दीज अमेजिंग प्रोडक्ट्स जो मैंने यूज करना स्टार्ट किया है। तो मैंने रिसेंटली युवाओं स्किन साइंस की विटामिन सी रेंज यूज करना स्टार्ट किया है, जिसमें है ये विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश, विटामिन सी मिस्ट टोनर एंड विटामिन सी सीरम। तो फर्स्ट है ये ब्राइटनिंग विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश विद बिल्ट इन ब्रश। ये आपके फेस से डर्ट एंड पोल्यूटेंट्स को क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। इस फेस वॉश में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है एंड मेलानिन ब्लॉकर है, जो एक्सेस मेलानिन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड बूस्ट करता है स्किन रेडियंस को। ये फेस वॉश हेल्प करता है फाइट करने में साइंस ऑफ एजिंग से एंड इवन आउट करता है पैची स्किन टोन को एंड पिगमेंटेशन को लाइटन करने में हेल्प करता है। इसमें है एक्टिव विटामिन सी, लेमन एंड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल्स, मलबेरी एंड लिकोरिस। सेकेंड है ये विटामिन सी स्किन मिस्ट टोनर, ये आपके फेस को बहुत हाइड्रेट करता है। ये मिस्ट टोनर रिफ्रेश करता है ड्राई एंड टायर्ड स्किन को एंड पोर्स को मिनिमाइज करने में हेल्प करता है। इसको आप थोड़े से डिस्टेंस से फेस पर स्प्रे कर सकते हो एंड ये अपने आप अब्सॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन में। नेक्स्ट मैं यूज करने जा रही हूँ विटामिन सी फेस सीरम। ये सीरम हेल्प करता है आपके डल कॉम्प्लेक्शन को रिवाइव करने में, साथ ही साथ आपके फेस पे बहुत प्यारा ग्लो ऐड करता है। ये हेल्प करता है पिगमेंटेशन को फेड आउट करने में एंड ऑल्सो हेल्प इन रिपेयर स्किन डैमेज। इसको आपको डॉट डॉट करके अप्लाई करना है क्लेंस फेस पर एंड सिंपली डैप कर सकते हो ताकि इजीली अब्सॉर्ब हो जाए आपकी स्किन में। वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स हार्श केमिकल फ्री होते हैं, लाइक नो सल्फेट, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन एंड नो एडेड कलर। आप मेरा कोड क्रिटिका20 यूज कर सकते हैं टू गेट 20% ऑफ ऑन देयर वेबसाइट, दैट इज buywow.in। एंड वाओ की वेबसाइट से परचेस करने पर आपको हर ऑर्डर पे मिलेगा एक सीड पाउच। वाओ ने एम किया है 1 crore सीड पाउचेस को शिप करने का, ताकि आप भी एक खुद का अपना प्लांट लगा सके। सो स्टे वाओ फ्रॉम विद इन, बी वाओ नेचुरली। सेट भाई, मैं ब्लश नहीं कर रही हूँ, मैं अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। स्टोरी बताने के लिए क्या कहते हैं उसको, उत्साहित हो रही हूँ, इसलिए मैं हंस रही हूँ, मैं ब्लश नहीं कर रही। सेठ भाई, मुझे ब्लश आज तक कोई करा ही नहीं पाया यार। मत करो। सो गाइस, स्नैक्स 432 किधर? चमकता चमकता है। रहता कितने टाइम? देख के आप भी लाल हुए होगे ना, लेकिन ब्लश से नहीं, गुस्से से, है ना? अच्छा तो मैं पहले इसकी स्टोरी बता देती हूँ यार। तुम लोग को ये स्टोरी जाननी है, नहीं जाननी है? तुम लोग के अंदर दिल नहीं है क्या? ठीक है,
आई कैन एक्सप्लेन. एक लास्ट बार देख रहे. खैर तो गाइस स्टोरी नहीं जाननी ना, जल्दी जल्दी झूठ बोल देती हूँ, कवर अप भी तो करना है. ऐसा नहीं है लेकिन सच सच बता रही हूँ, सच बता रही हूँ. तो गाइस ऐसा हुआ था कि आई वॉज सिटिंग इन, देखो तीन होता है, तीन सीट्स होती है, एक विंडो सीट, एक आयल सीट और एक मिडल सीट. तो एज ऑलवेज मामा ने मेरे को मिडल वाली सीट में ढकेल दिया. मेरे लेफ्ट में एक अंक भैया बैठे हुए थे, मेरे राइट में मामा बैठा हुआ था. और जैसे कि आपको आपने उसमें देखा ही, अरे स्किप मत करो ना यार, प्लीज सुन लो प्लीज. हाँ तो हुआ ऐसा, तो मैं बहुत टायर्ड थी. ऐसे आपने देखा कि मैं बेचारी वहां गाड़ी में भी सोई हुई थी, लेटी हुई थी वो बैक के ऊपर. तो अब मैं इतनी टायर्ड थी तो मैं ऐसे करके नॉर्मली सो गई. ठीक है, ऐसे नॉर्मल हम लोग सोते हैं. और फिर मैं सोते सोते ना, ऐसे होता नहीं कि हम जब वो टर्बुलेंस आता है तो हम ऐसे ऐसे गिर रहे होते हैं, ऐसे ऐसे हो रहे होते हैं, ऐसे ऐसे. तो वो मैं ऐसे हुई, ठीक है, बहुत बार हुई. फिर मुझे भी रियलाइज हो रहा था कि मैं हो रही हूँ ऐसे ऐसे, बट आई वॉज सो मच स्लीप डिप्राइव्ड कि मैं, मेरे को एकदम ही मन ही नहीं हुआ कि मैं कुछ और करूँ या कुछ, मतलब समझ लो. तो मामा के अंदर से एकदम ही केयरिंग फ्रेंड जागा. ठीक है, मामा को लगा यार उस इंसान के सिर पे गिर रही है, इससे अच्छा मैं एक दोस्त हूँ, मैं हेल्प कर देता हूँ. तो मामा ने मेरा सर, मैं सोई, मेरे को आइडिया नहीं था, तो मामा ने मेरा सर ऐसे अपने कंधे के ऊपर ऐसे रख दिया और हम लोग, मैं बस सो गई. दिस वॉज द स्टोरी. ही जस्ट गेव मी हिज कंधा लाइक अ गुड फ्रेंड. या बस और ज्यादा कुछ नहीं, यही था. अब मामा से पूछोगे तो भी यही स्टोरी मिलेगी क्योंकि यही सच है.